यूट्यूब एक साधन है, एक मीडिया है कि इस चीज को हम कैमरे पे ना दिखाएं, तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? गाइस अभी मैं बाबा जी के पास मिलने आया था और इनसे पूछने आया था कि इनको व्हीलचेयर तो किसी ने और ने तो नहीं दे दी, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक बार मिल चुकी है और दोबारा इनको वही चीज दोबारा मिल रही है तो वो भी सही नहीं रहेगा। व्हीलचेयर चाहिए ना अभी? ठीक है, और एक चीज और बता दो जनता को, हम आपको परेशान तो नहीं करते ना? आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? अरे वाह। तो गाइस मैं अभी आया था सुबह मॉर्निंग में, तो देखो पूड़ी बनाना भी चालू हो गया है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे एक भैया पूड़ी भी खा रहे हैं, तो गाइस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बाबा मैं अभी आता हूँ लेके आपके लिए, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डोनेट करने जा रहे हैं व्हीलचेयर बाबा को, जैसा उन्होंने लास्ट वीडियो में बताया था उनको ज़रूरत है, और उसी के साथ साथ हम इसमें करेंगे कुछ सवाल बाबा से, आप ही के द्वारा करे हुए कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो में, उसी से हम सवाल निकालेंगे और वही हम बाबा से पूछेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक भी करिएगा अगर आपको इस वीडियो को पसंद आती है, और कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो रेज करूँगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम कुश जोर है और आप ट्रैवल फूडी देख रहे हैं। दोस्तों टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे, इस समय मैं हूँ बाबा जी के साथ, और बाबा जी के लिए जैसे बाबा जी ने लास्ट वीडियो में एक रिक्वेस्ट करी थी आप सभी लोगों से कि उनको एक व्हीलचेयर की आवश्यकता है, तो उसी के लिए मैं आज आया हूँ। परेशान हूँ। किससे परेशान है? टांग से परेशान हूँ। पैर से? अच्छा, तो बाबा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो बाबा से सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, जनता जानना चाहती है बाबा कि आप लोगों को हम परेशान तो नहीं कर रहे यहाँ पे आते हैं? नहीं, कोई परेशान नहीं, सबको सेफ की करनी है। आपको कैसा लगता है अगर ऐसे आगे हम बढ़ के आते हैं और आपकी ऐसे सेवा करते हैं और उसको हम सामने कैमरे में कैप्चर करते हैं और अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, आपके आज बांधते खुशी हुई मैं तो। आपको खुशी हुई? बहुत ही बढ़िया। तो बाबा जैसे आपने पिछली बार बताया था कि आपको प्रॉब्लम है जैसे आपको चलने में और आपको ज़रूरत थी एक व्हीलचेयर की, तो हम आपके लिए व्हीलचेयर लेके आए हैं। अच्छा। और ये व्हीलचेयर कनाडा से ऑर्डर करी गई है, अमेजोन के थ्रू उन्होंने ऑर्डर करी है, एक शेफ़ है कनाडा में, बहुत ही बढ़िया, ही वॉज माई बॉस और उनका नाम है महेश दिवाकर, तो उन्होंने ये वहाँ से अमेजोन से ऑर्डर करके मेरे को भिजवाई है। तो गाइस जल्दी से चलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको व्हीलचेयर दिखाते हैं ये, और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और लाइक तो बनता है दोस्तों इस वीडियो के लिए, यार आप लोगों ने इतना साथ दिया है तो क्यों नहीं। तो गाइस लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। कैसा लग रहा है आपको व्हीलचेयर पे बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। और कुछ कहना चाहोगे? अब क्या आराम से? बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत ये सब भाई से प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहा हूँ जी कि मेरे साथ में बच्चन ने बहुत मेरा संगठन सब संकट दूर कर दीजिए। तो गाइस ये सब आपकी वजह से है, आप अगर साथ नहीं होते ये पॉसिबल नहीं होता। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और सोशल मीडिया ऐसे ही आगे आता रहेगा और ऐसे ही हेल्प करता रहेगा, ना ही सिर्फ बाबा की और भी जितने भी ज़रूरतमंद हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर और कहीं पे किसी को हेल्प की ज़रूरत है, और बाबा मैं बाबा से मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो कि लास्ट वीडियो में आपके कुछ सवाल थे जो आपने पूछे थे कमेंट सेक्शन में उसी से रिलेटेड, तो मैं वो सवाल पूछ लेता हूँ सो दैट आप लोगों के वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे
और बाबा का क्या सोचना है इस बारे में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बाबा काफ़ी लोगों का ये कहना है कि मतलब कमेंट्स में मैंने पढ़ा है, जो लोग कहते हैं कि आज बाबा के लिए सब जा रहे हैं यहाँ पे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रियलिटी शो कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ टाइम बाद बाबा को भूल जाएंगे, जैसे आप जैसे और भी लोगों को ऐसा हुआ है पास्ट में। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका ऐसे साथ ऐसा होगा आपके साथ, या आपके साथ लोग आपको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं ना हर चीज़ में? हाँ, तो कोई इसके अंदर आपको तो दो राय नहीं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? हमारे में कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है। ओके, पब्लिक जब इतनी साथ दे रही है तो कैसे धोखा कर सकते हैं? ओके, हमारी हाथ में से नहीं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आत्मा प्रसन्न हो गए कि इनका पब्लिक बहुत साथ दे रही है और कोई धोखेबाजी नहीं हो रही। आपने इन्हीं के मुँह से सुना तो मुझे लगता है कि आप तक भी पूरा संदेश पहुंच गया होगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो बाबा के थ्रू सॉल्व हो गए हैं होंगे। जो भी अगर इसके अलावा अगर आपके अंदर और भी चीज़ें हैं मन में, अगर आपके कोई भी शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैंने ट्रैवल फूडी करके एक ग्रुप है फेसबुक पे, आप उस पर आ जाइए, ज्वाइन करिए और वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब एक साधन है, एक मीडिया है जो कि लोगों को बताता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है कि कैसे वो लोग आगे आए और वो आप जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी वो सहायता करें। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस चीज़ को हम कैमरे पे ना दिखाएं, तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? अगर कैमरे पे, मेरे को ये लगता है जो हमारा सोचना है कि कैमरे पे नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे आगे आएंगे, लेकिन आपका क्या सोचना है? हाँ सही कह रहे हो जी, ये बात सही कह रहे हो जी। आप क्या कहते हैं कि लोगों को हमें दिखाना चाहिए ये चीज़ कैमरे पे? जैसे अगर कोई आपको डोनेशन कर रहा है या आपको कोई पैसे दे रहा है या आपको कोई, जैसे मैंने व्हीलचेयर दी या कुछ, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक हाथ से दान दे रहे हो तो दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। सही बात। लेकिन अगर हम इसमें नहीं दिखाएंगे तो लोगों को कैसे पता कैसे मालूम पड़ेगी? हाँ सही बात। आपको क्या चीज़ मिली है और क्या आपके तक पहुँचा है कि नहीं पहुँची? सही बात है, ये वीडियो में दिखाओ सभी भाई के लिए, वीडियो में दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा आपने सुना बाबा का ये कहना है कि आप ये चीज़ वीडियो में दिखाई जाए, तो उसके बाद में आप लोगों का जो आपने कमेंट किया था उससे रिलेटेड दूसरा सवाल मैं पूछने वाला हूँ बाबा से। बाबा कई लोगों का ये कहना है कि आपको डॉक्टर के पास लिया जाए, लेके जाया जाए, बहुत से लोग बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपका चेकअप कराया जा रहा है हाथ का और पैर का। लेकिन मैंने कुछ एक दो वीडियोस देखी हैं, ऑलरेडी डॉक्टर लेके आए थे यहाँ पे और उन्होंने आपका चेकअप कराया था। हाँ जी करा। तो आपका क्या कहना है, आप सेटिस्फाई हैं? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये बोला जी के बाबा जी हम तुम्हारा ऑपरेशन तो अभी कर देंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए या तुम्हें कुछ देने के लिए, तो उनको जो होगा नहीं कर सकोगे। और हाँ, और तुम्हारी ये दुकान खुली हुई है यहाँ में तुम्हें कुछ हानिकारक बैठेगी, ताकि हम तुम्हें एक महीना के लिए या 25 रोज के लिए तो जरूरी हम तुम्हें खाट को साधन देंगे। तो आप चाहते हो कि मैं आपको लेके जाऊँ हॉस्पिटल, या आपकी है इसके अंदर कि आपकी और कोई हेल्प कर रहा है, या मैं आगे आऊँ और इस चीज़ को भी रेस करूँ और आपको लेके जाऊँ और मैं सब कुछ इंतजाम कर सकता हूँ? अच्छा जी, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो गाइस जैसे मैं इनके साथ टच में रहूँगा और जैसे ही अगर ये मुझे बताते हैं कि अगर इनको जैसे भी अगर कहीं से वैसी हेल्प नहीं मिल पाती और तो उसके बाद मैं इनको फिर नहीं तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाऊँगा और इनका पूरा चेकअप कराऊँगा और उसके लिए अगर जो भी ट्रीटमेंट होगा मैं आप लोगों से फंड रेज करूँगा और आप लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करिएगा, हेल्प करिएगा और हम बाबा का आगे जो भी ट्रीटमेंट होगा वो ज़रूर कराएंगे। तो उसके बाद हम तीसरा सवाल पूछते हैं जो कि आपके कमेंट से ही मैंने निकाला है। तो बाबा लोगों का कहना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि आपको एक यहाँ पे दीदी मैगी सिखा रही थी, तो लोगों का कहना है कि आपको कॉफ़ी बनाना सिखाया जाए और अंडे बनाना सिखाया जाए और आपको सिखाया जाए कि क्या कहते हैं ऑमलेट बनाना सिखाया जाए, जो भी है। तो कहने का मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका काम जो है बढ़े और आपका वर्कलोड बढ़े, मतलब काम ज़्यादा हो जाता है। मैं एज अ
शेफ की तरफ से बोल रहा हूँ कि जैसे आप मेन्यू बनाते हो ज़्यादा, तो आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप हैं सिर्फ दो बंदे और ओल्ड एज पर्सन है, तो आपको फिर हेल्प चाहिए होगी। तो आप क्या कहते हो कि सिर्फ आप चाय और इसी में ही खुश हैं, इसी में खुश हैं, या आप काम को बढ़ाना चाहते हैं कि आप अंडे भी रखें और ये भी रखें? हाँ, ये चारों काम हम संभाल लेंगे जी, चारों संभाल लेंगे। तो दोस्तों, इनका ये है कि ये काम बढ़ाना चाहते हैं और इन्होंने लगभग शुरू कर दिया है। मैं सुबह आया था यहाँ पे और देख रहा था इन्होंने आलू पूड़ी बनाना भी शुरू कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, देखेंगे इन फ्यूचर, अगर जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे आके इनको अंडा वगैरह बनाना भी सिखा जाऊँगा। और आइए चौथा सवाल पूछते हैं। तो बाबा, आप क्या कहते हैं, लोग यहाँ पे आपकी चाय पीने आए या आपको लोग यहाँ पे विंटर्स के क्लोथ्स वगैरह देके जाएं? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं ठंड आ रही है तो बाबा को कपड़े दे के आओ, कंबल वंबल भी दे के आओ, बट लेकिन जैसा पिछली वीडियो में बताया था अम्मा ने कि आपके पास इतनी जगह नहीं है सामान वामान रखने की, और ऐसे लोग यहाँ पे दे जाएंगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, और चूहे वगैरह भी हैं आपके खा रहे हैं। हाँ जी। तो आप क्या इसमें कहते हो कि लोग सिर्फ आए और आपके चाय पी के जाएं? बस यही आपकी एक विनती है। हाँ जी। और आपको कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं है, हमारे खाने पीने को सब धंधा है, और है सका ये हम लोग दो ही प्राणी है, हमको ये काज कम्बल वम्बल की व्यवस्था बन जाते हैं। ओके, तो गाइस, जैसा आपको आपने सुना है, इन बाबा को सिर्फ चाय चाहिए, आप आइए और सिर्फ यहाँ पे चाय पीजिए, बस इनकी यही एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो गाइस, ईट आउट हेल्प आउट, यही हमारा जो है नारा है। आप बाहर निकलिए और आइए, चाय पीजिए या आइए, कहीं भी जाते हैं।